Oh really? चलो yeah. I'm, I'm I happy. like your positive character. Thank most you, most. thank yeah. you. I'm very happy to hear that because sab mujhe push karte ki nahin, negative nahi negative hi karo. Gande gande kaam karte hi dekhna chahte hai. भाई लोगों गंदे गंदे काम मत कराओ भाई हमारा लड़का साफ सुथरा से अच्छे काम कराओ या बट इंशाल्लाह दिस इज अनदर प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग जिसके अंदर पहली बार आई थिंक आईड बी इंशाल्लाह Uh, पहली बार आई बी डूइंग एन आउट आउट एंड रोमांटिक रोल आपको रोमांचक कैरेक्टर करने yeah, का बहु, बहुत uh, तो ही है। है नहीं है हमने पाकिस्तानी करना है हमें इजाजत की कोई खास <laughs> जरूरत पड़ती नहीं है। <laughs> 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 ये बात की जरूरत नहीं अच्छा ग्रेट मुझे बताएं की शादी से पहले की लाइफ में और हिना से शादी के बाद लाइफ में क्या फर्क महसूस होता है अब ये मत कहना कि कोई फर्क महसूस नहीं होता क्योंकि होता तो है यार नहीं फर्क तो ऑब्वियसली है मुझे लगता है पहले मैं अकेला रहता था अब मैं अकेला नहीं रहता हूँ हाँ। मुझे पता है घर में

या yeah, आपने हाँ. अपनी जिंदगी बांटनी है ओह oh, यस yes. एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप यू नो बचपन से कोई आप उसको जानते नहीं हो कभी कभी तो मेरा जैसे मेरे केस में आई ओनली न्यू है फ्यू मंथ्स मैं बहुत कूल cool समझता था ये बात कि शादी नहीं यार होनी मैं तो कभी नहीं करूँगा तो और, और लोग आपको वो वाला रिस्पांस भी देते हैं ना 90 परसेंट लोग शादी शुदा यही कहते हैं अभी शादी नहीं करना शादी मत करना है यार लेकिन मुझे लगता है कि कि बिल्कुल करनी चाहिए तो so, से शादी के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि यार शादी तो अच्छी चीज है और वो शादी के बाद ही होना था उससे पहले हो नहीं सकता ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए पर वो नहीं, भी पछताए। ये, ये, ये सब बातें मुझे लगता है बिल्कुल नहीं पछताते गारंटी किसी रिश्ते की नहीं है की नहीं। दुनिया में चाहे कितनी भी आप तो जिनकी नहीं चल पाती उन्हें भी कहूंगा no you know, हाँ, बहुत, बहुत, बहुत बहुत सिंगल में दोबारा ट्राई कर ले हो सकता है आपके लिए कुछ और किसी और इंसान के साथ लिखा हो बिल्कुल ये तो एक अच्छी आइडिया है कुकिंग स्किल्स आपके ज्यादा अच्छे हैं या के ज्यादा अच्छे हैं आए uh, मेरे घर में खाना मैं बनाता हूँ so okay. तो so उसको बनाए? खाना बनाना पसंद नहीं है अच्छा। और uh, और मुझे लगता है बड़ा सही है मुझे पसंद है uh, मैं शादी से पहले भी जब मैं अकेला रहता था तो मैं बहुत खाना बनाता था अच्छा अपने तो so लिए हाँ नहीं ढेर सारा तो नहीं पर जितना मुझे खाना होता था

बाहर अलग खाना अलग खा फिर हम चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं एंड ट्राई टू टू स्टिक फूड फ्राइड नहीं खाते ज़्यादा मैं आपने आप दोनों का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि हमारे हाउस हेल्प नहीं जी जी यार कमाल है <laughs> कि इस जमाने में जहाँ लोग एक की जगह चार चार हाउस हेल्प रखते है हाँ. आप लोगों ने इतने टॉप पे अपने करियर के होते हुए एक भी हाउस हेल्प नहीं रखी

मेरे लिए जो ये ये कॉन्सेप्ट है ना वो सबसे पहले तो सिंगुलरली मेरे लिए है okay. आ, ना मैंने कभी आ, अपनी बेगम को या किसी की बेगम को या किसी के हस्बैंड को ये कहा है कि तुम तो मैसेज जियो हाँ. मैंने वो फैसला किया जो मुझे म, म, मेरे लिए कंफर्टेबल लगा और हाँ. मुझे इट इट यू नो जैसे एक सिंपल सी बात है मैं ट्रैवल कर रहा था और uh, यूरोप में था मैं और हम लोग बहुत वॉक करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं बाय वी वी ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच बाय वॉकिंग तो एक 80 प्लस यानी कि अस्सी साल से ज़्यादा की खातून को मैंने देखा कि वो साइकिल चला के ऑफिस से अपने आ रही थी एक ऑफ़िस बिल्डिंग थी और उधर से वो निकली और उन्होंने अपना साइकिल खोला और वो साइकिल चला के वो आ, अपने प्रॉब्ली घर चली गई हाँ, तो मैं बड़ा हैरान हो गया और मैंने कहा यार ये मतलब इनकी उम्र देख के हमारे हाँ तो इस उम्र में लोग मतलब ऐसे कर देते हैं ना कि जैसे उन शायद उठ भी नहीं पाएंगे आ, आप और इनफैक्ट उससे आधी उम्र में मैंने आजकल के द, दौर में ये भी देखा है कि वो इस 50 प्लस वो घुटना वो कमर और ये तो ये सब क्यों होता है बिकॉज हम एक्टिव नहीं रहते च्या? हमारे यहाँ एक का एक एक, एक फिनिना है कि हमने सुबह उठ के कहना है कि नसरीन चाय बना दी है कि नहीं सो ये जो सुबह उठ के देन दोपहर में देन रात में ये जो एक्टिविटी आपको ख़ुद के लिए करनी चाहिए oh. यही है जो आपको जवान भी रखती है यही है जो आपको फिट भी रखती है यही है जो आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं आ, तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि मैं हाउस हेल्प से खुश नहीं होता था दूसरी बहुत बड़ी वजह थी कि आई लिव इन एन अपार्टमेंट पंजाब में हमें आदत है घरों में रहने yeah. की तो जो घरों में रहते हैं उनके पास फिर सर्वन क्वार्टर भी होता है या वो पोर्ट्स में या छत पर बोल देते हैं कि रह लो और सर्वेंट्स नॉर्मली मैंने देखा है कि इस तरह जो भी बड़ा अनफेयर है अगर आप उन्हें अच्छा अकोमोडेशन अच्छा 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 नहीं दे सकते तो उन्हें नहीं रखो yes, अपने घर में भाई लेकिन आम, जो मैंने नॉर्मली देखा है तो अपार्टमेंट में अगर आपके पास एक ट्वेंटी फोर सेवन का भी कोई सर्वेंट है आपके लिए तो कोई काम करता है तो आपकी प्राइवेसी बड़ा यू नो you know, आप फिर एक सर्टन तरह रहते हैं स्पेशली अब वन आई हैव नो गर्ल इन द हाउस दैन

You come back for us. टाइम्स और मेरे साथ आगा अली मौजूद है आप सोच रहे होंगे कि हरी मिर्च यहाँ क्यों मौजूद है क्यों क्योंकि हम आपसे पूछेंगे सवाल ट्रूथ एंड डेयर ओके अगर आप सवाल का सही जवाब नहीं देंगे तो ये हरी मिर्च आपकी किस्मत होगी माशाल्लाह आपको खानी होगी मैं आवाम को दिखा दूं कि इसका साइज आप लोग देखे इस महंगाई में भी हमने पैसे खर्च किए आधा किलो चिकन में ये एक ही अगर मुझे लगता है आप डाल तो, तो बड़ा माहौल बन जाएगा अच्छा जी काट के डालेंगे अगर तो।, हाँ तो, तो हाँ तो ऑबवियसली वरना पूरी तो जायका भी नहीं आएगा नहीं मैं साबुती वैसे खैर हाँ, मगर मैं यू क्यों गेट अप टू दिस आइडियाज जी अच्छा जी तो जी। ये टाइटल्स आप किस सेलिब्रिटी को देना चाहेंगे ओके काली बिल्ली काली हाँ। बिल्ली किस एक्ट्रेस को क्यों कहना है काली बिल्ली मतलब काली बिल्ली से क्या मुराद है मैं उस फिर समझ के मैं नाम दू किसी को क्या, काली बिल्ली बहुत मिस्टीरियस होती है अच्छा ठीक है तो आप है। किसी ऐसी के साथ मैंने काम नहीं किया जो मिस्टीरियस अब अब सब जिन एक्टर्स की शादी होती है ना बड़ा मसला होता है वो अपनी बीवी के अलावा किसी को कुछ कहते ही नहीं है लेकिन कौन है मिस्टीरियस कौन है वो आखिर कौन है वो जो मिस्टीरियस है और आगा अली को काली बिल्ली महसूस होती है ऐसा, ऐसा मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि कौन सा एक्टर है जो मिस्टीरियस है लिया है को लिया इस सवाल हाँ। uh, no यार किसी का नाम भाई नहीं बताया बूटी नहीं लगवा रहे यू नीड टू नेम दो क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा है देखो आपने जिस-जिस के साथ काम किया उसके साथ मैंने तो काम नहीं किया ना हाँ लेकिन मिस्टीरियस कौन था यार कौन था जिसको मैं अंडरस्टैंड आप आप में? यकीन करो मैंने बहुत जोर दिया है दिमाग पे अपने सोचने के लिए ऐसा नहीं कि मैं सोच नहीं रहा आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ एनर्जी कि कौन है मिस्टीरियस लेकिन, लेकिन कसम अल्लाह की कोई मुझे नहीं लग रहा मैं क्या जी कसम खा छोड़ दो अब अगली दफा मैं कसम के ऊपर नहीं नहीं उसके रिप्लेसमेंट में मैंने कहा कि मैं काला बिल्ला हाँ, ये जरूर ये तो बहुत आसान है कि जी मैं काला थे मेरा क्योंकि मेरा 80 90% वार्डरोब इज